नमस्कार, मैं हूं तेजिंदर सिंह और आज मैं मौजूद हूं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में गाजियाबाद लोकसभा सीट के लिए। आज आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है और यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। विधायक अमरपाल शर्मा जी का ये कार्यालय है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ अभी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या लगा इन्हें कि जो गठबंधन को अपना समर्थन दिया है उसके पीछे की वजह क्या है, क्या लगा आपको? दरअसल भाजपा की जो नीतियां हैं, जो इनकी सांप्रदायिकता फैलाने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। हम ये सांप्रदायिक ताकतें जो हैं उनको कम करना चाहते हैं और जो चुनाव है वो एक जन मुद्दों पे होना चाहिए, रोजगार के बारे में होना चाहिए, शिक्षा के बारे में होना चाहिए। चुनाव में क्या है, मुद्दे गायब हैं या मुद्दे पे ही हो रहा है चुनाव? नहीं, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये जो है केवल एक जुमलेबाजी पे ये चुनाव किया जा रहा है। तो हम इस ताकत के खिलाफ हैं और इस ताकत को जो भी प्रत्याशी हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे। जो जन मुद्दों पे जिनकी साफ छवि होगी उन प्रत्याशियों को हम लोग समर्थन। अच्छा, चलिए आप बताइए कि जो चुनाव से मुद्दे गायब हैं वो क्यों हैं, लगभग मतलब क्यों चुनाव में वो मुद्दे नहीं हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि पहले पार्टियां हुआ करती थी केवल दो ही, कांग्रेस और बीजेपी। अब गठबंधन हो जाने से ये पार्टियां तीन हो गई और चौथा ग्रुप हो गया ममता बनर्जी का। मैं एक राष्ट्रीय लेवल की बात बतला रहा हूँ। तो मुद्दे नाम की चीज़ तो वहाँ ख़त्म हो जाती है कि आप इनको हटाइए, बीजेपी को, कांग्रेस को हटाइए, गठबंधन को हटाइए। तो मेन मुद्दा ये है हम लोगों का, हम आम आदमी पार्टी वालों का मुद्दा ये है, एजुकेशन जो है भ्रष्ट हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान से, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो चुका है, न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है। जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक लगता है आपका जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो अपना सही काम कर रही है? मीडिया अपना काम सही कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन मीडिया में भी ऐसा हो रहा है कि कई मीडिया वालों को खरीद करके फेंक दिया है ये तुम्हारे जो दूसरी पार्टियां हैं। चलिए, आपको लगता है कि मीडिया ठीक है, आप बताइए कि वजह क्या लगती है कि अभी जो मुद्दे हैं वो गायब हैं चुनाव से? नहीं, मुद्दे तो सर मैं आपको बताऊं गायब नहीं है। कारण क्या है, देखो मुद्दे पे राजनीति होनी, जब गायब नहीं है तो फिर गठबंधन के साथ मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ की भी पीड़ा है, दुख है कि जंतर में, इतिहास में पहली बार जंतर मंतर पर हमारा संविधान जो इतना पवित्र संविधान है और सभी के लिए बना हुआ है, विविधता के लिए बना हुआ है, उसे प्रथम बार जलाया गया और आज तक उस शख्स की ना तो गिरफ्तारी है मैं आपको बताऊं, ना कोई उसके लिए सजा है। ये भी हमारे अंदर पीड़ा है, ये भी एक कारण है जो आपका। लेकिन मैनेजमेंट मीडिया तो उसे भी नहीं दिखाती? नहीं, दिखाती नहीं है, यही तो मीडिया ना बताती है क्या हो रहा है। यही तो एक कारण है जो मीडिया जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेट मीडिया हो गया है और दबाव में काम कर रहा है, चीज़ का भी हमें बड़ा दुख होता है। अब इसी कारण है तो हम लोग गठबंधन के साथ हमें जाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं है कि हमारी। चलिए ठीक है, चुनाव कैंपेनिंग में आप हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे और जितना होगा हम गठबंधन को अपना मदद करेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनसे हम जानेंगे कि जो चुनाव है, चुनाव में आखिर किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए, एक नेता जो चुनकर आना चाहिए वो किस तरह का आना चाहिए, आप बताइए। एक नेता जो है हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, सभी समाज का ध्यान रखता हो और मुद्दों की बात करें, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की बातें करें, ऐसे व्यक्ति को हमें चुन के लाना चाहिए। ऐसे, चलिए ठीक है, आप बताइए सर कि जो चुनाव में मुद्दे हों और मुद्दों के बाद अगर नेता का चुनाव करना पड़े तो वो कैसा नेता हो? वो नेता साफ छवि वाला हो जो देश को आगे डेवलपमेंट कर सके, बेरोजगारी को कम कर सके। लेकिन बीजेपी तो कहती है उनसे ज़्यादा विकास किसी ने करा ही नहीं। अगर बीजेपी ने विकास करा होता तो ये गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, आम आदमी पार्टी को इनके साथ गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं करती। बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी करी है, बेरोजगारी बढ़ाई है और डेवलपमेंट बिल्कुल चौपट कर दिया है, गुंडा राज चला है बीजेपी की सरकार में। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा इंडिया देख रहा है कि बीजेपी सरकार ने जितने भी अपने वादे करे थे उससे एक भी वादा। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि वो विपक्ष आरोप तो लगाता है लेकिन बताता कुछ नहीं है कि कहाँ हमने गलती करी है, कहाँ, वो थोड़ा सा बताइए। विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष मीडिया दिखलाता कहाँ है विपक्ष को? आप ये देखिए, मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं, क्या मोदी जी कितनी शिक्षा की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने वाकई में शिक्षा पे काम किया होता तो वो शिक्षा की बात करते, फिर क्या कर रहे हैं? रोजगार उन्होंने 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था लेकिन कितनी नौकरियाँ मिली, बल्कि नौकरियाँ कम हुई हैं, सरकारी नौकरियाँ।
चलिए, इसका असर देखने को मिलेगा कि जो पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बताया कि अभी गठबंधन जो है वो पूरे प्रदेश में होगा और 5-6 सीटें उन्होंने बताई शायद कि जहाँ पर उनका प्रत्याशी 6 सीटों पर आपका प्रत्याशी लड़ेगा। तो क्या लगता है अब जो है एक जुट हो गया है विपक्ष, इसका असर दिल्ली में भी होगा? बिल्कुल होगा, उसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा और हर जगह पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं जो योगी जी की अभी गाज़ियाबाद में जनसभा हुई थी वहाँ पे कितने लोग पहुँचे थे, अगर सीटें भी देखी जाएँ तो सारी कुर्सियाँ पीछे की तरफ की सारी खाली थी। तो जो है ये असर वाकई में पड़ रहा है, युवा भी उनको समझ रहा है भाजपा की राजनीति को कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका बड़ा असर होने वाला है? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यहाँ जो लोग मौजूद थे आज जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और आगामी जो कैंपेनिंग होगी चुनाव में उसमें भी वो अपनी सहभागिता निभाएंगे। गाज़ियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम्स।